अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, कैरियर से होंगे। जी तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम जा रहे हैं दुबई मॉल। तो जी इस तरह मैं रेडी हुई हूँ, बस स्ट्रॉलर नया लिया है और बैग, तो चलते हैं जी। हदीदर देखो कैमरे में सेल लगाया है, इसके लिए किधर है मुझे तो नहीं नजर आया। ओके हाशिर को बताओ, कहो अस्सलाम वालेकुम हाशिर। हम जा रहे हैं दुबई मॉल। हम जा दुबई मॉल। यस जी। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1000 जो है वो सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन रमज़ान की वजह से कोई सेलिब्रेशन नहीं की, और सेलिब्रेशन तो तभी होगी जब अगर मेरी एक वीडियो पर भी इतने ही व्यूज़ आएंगे। सो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, होपफुली कि वो वीडियो देखते होंगे, इंजॉय करते होंगे। तो जो अभी नहीं देखते वीडियो, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को देखा करें, मुकम्मल देखा करें, स्किप नहीं किया करें। आप सबको पता है कि मैं विज़िट पर दुबई आई हुई थी, तो जो मैं चीज़ें देख रही हूँ कि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वो सब मैं आपको भी दिखा रही हूँ। जो शॉपिंग कर रही हूँ, जो कुछ भी तरह का कुछ क्या भी मैं देख रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे आगे जब मैं वापस जाऊँगी पाकिस्तान, और वहाँ में जो जाके जो वीडियो होंगी वो इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड और मज़ेदार होने वाली है। लेकिन जिन लोगों ने दुबई नहीं देखा, उनके लिए है चांस कि जहाँ तक मैं देख सकती हूँ उनको भी दिखाती हूँ, सो वो लोग भी देख सकते हैं। और पिछली वीडियो में किसी एक का कमेंट आया हुआ था कि क्या मकसद है इस तरह की वीडियोस बनाने का, तो आई थिंक उसको ने पीछे मेरी वीडियो नहीं देखी। मैं यहाँ विज़िट पे आई हूँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ जिन्होंने अभी तक सिर्फ सब्सक्राइब किया उनको नहीं पता। सो मैं विज़िट पे आई हुई हूँ, इसलिए मैं जहाँ जाती हूँ उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अगर कुछ शॉपिंग करती हूँ तो उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बताने का ये मकसद था, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि गाड़ी के अंदर बैठ के भी बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत लग रही है, लाइटनिंग और वो बुर्ज खलीफा भी यहाँ से नज़र आ रहा है। तो दुबई मॉल के बिल्कुल पास ही बुर्ज खलीफा भी है, और हो सकता है कि ये उतनी चहल पहल और रौनक नहीं हो, क्योंकि मैं पहले भी एक साल पहले भी आई थी दुबई, तो तब मैं यहाँ पर गई थी, तो यहाँ पर बहुत चहल पहल और रौनक थी। लेकिन कोविड की वजह से मैं आइडिया लगा सकती हूँ, क्योंकि दुबई में अब वो उतना रश नहीं है, जितने विज़िटर्स पहले थे वो बिल्कुल भी नहीं है। दुबई क्या पूरी दुनिया में यही हाल है, तो अब कहने का मतलब ये है कि हो सकता है उतना वो ना हो, लाइटिंग शाइटिंग या कुछ ऐसा ना हो, लेकिन ये तो देखने से ही पता चलेगा जब हम वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें। जो लोग दुबई में कुछ और देखना चाहते हैं, मैं उनकी भी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। तो अब यहाँ पर हम दुबई मॉल में एंटर होने वाले हैं, गाड़ी जा रही है जी। तो गाड़ी से उतर के वो देखिए ये पार्किंग एरिया में है, और अब हम हो चुके हैं एंटर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। स्टार्ट में मुझे ये नज़र आ रहे हो, माय गॉड बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी, और बहुत मैंने इन्जॉय किया और उन्होंने करवाया भी मुझे बहुत ज़्यादा। सो अब यहाँ पे जो देख रही हूँ, स्टार्ट में हम यहाँ पहुँचे थे, वो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इसी तरह वीडियो को स्किप ये बगैर देखेंगे तो घर बैठे आपको दुबई मॉल दिख जाएगा, इसके सैर करें घर बैठ के आप भी। तो इसमें जो जितने भी ब्रांड्स आई थिंक यहाँ पर हर एक ब्रांड मौजूद है। तो सबसे पहले जो है ना, वो कुछ शॉपिंग करनी थी इन्होंने स्प्लाइश पे, तो हम चलते हैं वहाँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा मॉल देख ले, वहाँ तक पहुँचते ये मैं सेकंड फ्लोर पे थी, तो ये फर्स्ट फ्लोर वाला जो है ना, इस तरह ये तीन फ्लोर हैं इसके। सो मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे थी और ये हम स्प्लाइश में एंटर हो चुके हैं। और अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल जाती है और किस प्राइस की, मैंने सब मैंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। Yeah.
आप लोग, और यहाँ मैं टॉयज वाले सेक्शन में आ चुकी हूँ। और उफ़ इसकी कीमतें, ओ माय गॉड, क्योंकि मैं जो है वो कंपेयर करती हूँ पाकिस्तान से, तो यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक सूट बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है और इसकी प्राइस चेक करें 59 की, और ये आई थिंक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ में भी 1 ईयर तक का हो, मैंने ये नहीं ऊपर देखा था। और यहाँ का स्टफ़ बहुत अच्छा है, ये कपड़ा अगर हम यूज़ करें तो आई थिंक 3 से 4 साल इजीली चल सकेगा, लेकिन मतलब इन ईयर्स में बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, सो अगर 3 से 4 बहन भाई हों तो वो एक दूसरे की पहन सकते हैं ना। तो इसी तरह ये भी कुछ शो पीसीज, और ये हैं, ये क्या है, ये बहुत प्यारे प्यारे पीसेस थे, और बहुत ही प्यारे पीसेस थे, बस इनके बारे में और कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन ये आपके रूम में रखे हुए कहीं भी, ड्राइंग रूम में, आपके उस पर वाल पे, जहाँ पे आपकी LED लगी होती है, बहुत प्यारे लगेगी। और यहाँ पे मैं वापस गई वहाँ पे टॉयज वाले एरिया में, क्योंकि मैंने आपसे प्राइस शेयर नहीं की थी कि कौन सा टॉय कितनी प्राइस का है। फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, और बाकी का जो दुबई मॉल है वो आप देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। गुजरते हुए यहाँ से मेकअप की कुछ वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ये क्या है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।